दोस्तों यहाँ पर मैं एक स्मार्ट ग्लासेस यूज कर रहा हूँ और ये ग्लासेस रेबैन के मेटा ग्लासेस है। लेकिन क्या ये ग्लासेस एक मोबाइल फोन को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं? इसका आंसर सच में नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत तेजी से यहाँ पे आगे बढ़ने वाली है। इवन रेबैन ने यहाँ पे मेटा ग्लासेस का डिस्प्ले एडिशन भी निकाला है, जिसके अंदर राइट आई में आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और ये आपके विजन को ब्लॉक भी नहीं करता। यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी रहेगी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी आएगी, कुछ चीजें आप यहाँ पे चेंज भी कर पाएंगे और गूगल मैप्स लगा के अगर आपको नेविगेशन करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, और वो भी तब जब आपको आपके चारों तरफ की सराउंडिंग बकायदा यहाँ पे दिखाती रहे। और यही आपके एआर ग्लासेस और एक फ्यूचरिस्टिक चीज के बारे में प्रेजेंट करता है, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना जो आपके लाइफ स्टाइल में इंटीग्रेट हो जाए, एक फैशन स्टेटमेंट रहे और प्रॉपर तरीके से लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना आए। यही एक कंसेप्ट है स्मार्ट ग्लासेस का और आने वाले 4 से 5 साल में इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ही पॉपुलर होते हुए देखने को मिलेगी। देखो हमने ग्लासेस के अंदर इतना ज्यादा इनोवेशन अभी तक नहीं देखा। देखा जाए तो एप्पल ने विजन प्रो निकाला था, लेकिन एक बड़ा हेडसेट पहनना ही अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप बड़ा सा डिस्प्ले, बड़ा सा हेडसेट अगर अपने चेहरे पे पहनेंगे तो हाँ यार वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता है, ये बात सबको पता है और इसी वजह से सब लोग ग्लास बनाने में भी लग गए। और बात करें तो जब से मेटा ने अपने रेबैन ग्लासेस निकाले थे तो इसके अंदर बात है कि यहाँ कोई डिस्प्ले नहीं था, यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चीजें यूज की गई थी। बेसिक बात की जाए तो कैमरा आपको देखने को मिलता है, माइक्रोफोन देखने को मिलता है, स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। डेट्स इट, इसके अंदर कोई डिस्प्ले और कोई चीजें देखने को नहीं मिलती है और यही चीज इस ग्लास को स्पेशल बनाती है। यानी कि इस ग्लास का यूज आप सिर्फ फोटोग्राफी करने के अंदर नहीं कर सकते, इसका यूज अगर किसी को अगर आपको व्हाट्सएप के अंदर वीडियो कॉल करनी है तो उसके अंदर किया जा सकता है, यहां तक कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे लाइव करना है तो वो चीज पॉसिबल है, यहां से फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है तो वो काफी आसान चीज है। और तो और अगर आपको बताऊं तो मेटा ने अपनी एआई से इसे इंटीग्रेट करके इसे और भी ज्यादा एडवांस यहां पे बना दिया, यानी कि अगर आप कहीं पर भी हो, कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं और एआई के थ्रू आप आंसर ले सकते हैं। और इवन आप ये भी पूछ सकते हैं कि आपके सामने क्या है, आपने कोई अगर दूसरी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ है तो उसको पूछ सकते हैं कि इसको ट्रांसलेट करके उसे सुना दे, या फिर अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाला इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको उसकी बात समझनी है तो रियल टाइम ट्रांसलेटर के तरीके से भी काम करता है। लेकिन हाँ, कोई भी जो ग्लास जो उन्होंने शोकेस किया ना रेबैन ने मेटा ग्लास, ये इंडिविजुअल लेवल पे खुद काम नहीं करता, इसको पेयर करने के लिए एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ती है और आज भी एक स्मार्टफोन के एक्सेसरी के रूप में बहुत ही अच्छी चीज है। और जब आप इसे फैशन और लाइफस्टाइल स्टेटमेंट से कनेक्ट कर देते हैं तो ये चीज और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। और वही बात करूं रेबैन मेटा डिस्प्ले की तो यार उसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले लगाया गया 600x600 पिक्सल रेजोल्यूशन और तो और उन्होंने यहां पे 500 निट्स की पीक आउटडोर ब्राइटनेस रखी है। हालांकि वो ग्लासेस कोई भी वीडियो देखने के लिए नहीं बनाया गया, वो ग्लासेस आपका सिर्फ नोटिफिकेशन और बेसिक टास्क करने के लिए बनाया गया, यानी कि अगर आप सामने गए कोई बोर्ड किसी और लैंग्वेज में उसे रियल लाइफ में अगर ट्रांसलेट करना है तो आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा, आप रियल टाइम में नीचे सबटाइटल्स वगैरह देख सकते हैं। इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डेवलप किया गया और अगर आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो मेटा ग्लासेस के जो डिस्प्लेज होते हैं वो आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, यानी कि कौन सी चीज किधर रखे ये बताने में, कहाँ पर क्या चीज है, किस तरीके से क्या काम करना है, या फिर अगर आप किसी नई जगह पर गए वहां पर कौन सी जगह देखने लायक है, या फिर अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो कौन कौन सी सब्जी आपके पास है, उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, काटना है, वहां पे इन सब चीजों पे बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। यानी कि कंसेप्ट इधर इनका सिंपल सा इधर ये, यानी कि स्मार्टफोन के अंदर एआई जो यूज की गई है उस स्मार्टफोन से निकाल के आपके ग्लासेस तक उसे पहचाना। देखा जाए तो देखने सुनने में चीज बहुत अच्छी है, लेकिन सच बात बताना चाहूंगा जब तक आप इसे प्रैक्टिकली फील नहीं करेंगे तब तक आप इसका एग्जैक्टली में यूज केस नहीं बता सकते और यही एक चीज यहां पर रहती है। इवन जो रेबैन के मेटा ग्लासेस मैंने पहन रखे हैं फर्स्ट जनरेशन ग्लासेस है और फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सही है, हालांकि थोड़े एक्सपेंसिव साइड में रहते हैं, 30,000 थोड़ा महंगा लग सकता है लोगों को, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट ऐसा है कोई अगर लेना चाहता है तो ले सकता है। इन ग्लासेस को कुछ समय तक यूज करने के बाद सिर्फ एक प्रॉब्लम लगी, बैटरी लाइफ इन ग्लासेस की इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कई बार बंद करके रखना पड़ता है, अराउंड 4 आवर्स तक चलती है, लेकिन सेकंड जनरेशन में इसकी बैटरी लाइफ को 8 आवर्स कर दिया गया। कैमरा क्वालिटी जो रहती है उसको थोड़ा और बेटर कर दिया गया है और देखा जाए तो उन्होंने जो उसका वेट रहता है वो भी 69 ग्राम तक इसको रखा है,
वेल देखने वाली बात है कि उन्होंने पतला हल्का इसको रखा हुआ है, और मेरी नज़र में लगता है कि बाकी सारी कंपनीज भी इसी चीज़ को और ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगी। एंड्रॉयड अपने एंड्रॉयड XR के अंदर इसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट किया था इस तरीके के ग्लासेस को, तो वो आएंगे आपके प्रोजेक्ट ओरायन के अंदर। यहाँ तक कि बाकी या तो र्यूमर्स ये भी चल रहे कि एप्पल भी अपना ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के साथ एक ग्लास डेवलप कर रहा है, और हो सकता है कि मेटा किट ग्लासेस आने के बाद जब ये मार्केट में और पॉपुलर हो रहे हैं तो एप्पल जैसी कंपनी भी इन ग्लासेस को लेकर आए, और इवन Xiaomi जैसी कंपनी ने चाइना के अंदर इन ग्लासेस को भी अनाउंस किया जो उनकी खुद की बनाई हुई AI पे वहां पे चलते हैं। तो हाँ, वहां पर भी काम हुआ है। और इवन बात किया तो इंडियन कंपनी ने Fire-Boltt ने भी अपने एक फायरलेंस निकाल दिया, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी उसके बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि जो Ray-Ban और Meta अपनी जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी अच्छी रहती है, और कई सारे लोग इसको जब यूज करते हैं तो काफी अच्छा लगता है। हालांकि बात की जाए तो प्राइवेसी रिलेटेड चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। हर कोई देखा तो कैमरा वाला चश्मा पहन के हर जगह नहीं जाना चाहता था, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने LED लाइट को लगा रखा है राइट कॉर्नर में, तब भी कैमरा एक्टिवेट होगा, लाइट एक्टिवेट होगी तो वहां पे काम कर सकते हैं। और तो और बात की जाए तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस रहेंगे वहां पे जो डिस्प्ले वाला पैनल आ रहा है वो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये एक बात है। क्योंकि नॉर्मली जो मेटा ग्लासेस मैंने पहने फर्स्ट जनरेशन के, और यहाँ पे अगर मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लेंसेज लगवाने हैं तो किसी भी दुकान से मैं इसके लेंसेज को चेंज करवा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोई भी डिस्प्ले वाले पैनल में अगर ग्लासेस को चेंज करवाना है तो वो एक काफी बड़ी चीज हो सकती है, तो वो देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मेटा ग्लासेस तो एक स्टार्ट है, लेकिन AI ग्लासेस का कैसा ट्रेंड में देखूंगा, जहाँ पे कई सारी कंपनीज आने वाले समय में AI वाले ग्लासेस को और ज्यादा यूज करेंगी और तेजी से इंटीग्रेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी गूगल तो बना रही है, लेकिन सैमसंग भी यहाँ पे ग्लासेस के ऊपर काम करने वाली है, और जो बड़े हेडसेट वाली चीज़ है ना, मेरे को लगा थोड़ी सी यहाँ पे आउटडेटेड होगी, क्योंकि बड़ा भारी और बल्कि हेडसेट पहनना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर एक लाइट वेट ग्लास आपको देखने को मिल रहा है, उसमें बेसिक AI के काम कर सकते हो, इसके अंदर आप गाने वगैरह सुन सकते हो, लोगों से कॉल पर बात कर सकते हो, सामने वाला अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में बात हो रहा है तो दूसरी रियल टाइम लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर सकते हो, और अगर रोजाना के काम में अगर सीमलेसली इंटीग्रेट हो रहा है और बिना आपकी जो अपीयरेंस होती है उसे अफेक्ट किए बगैर, तो ये बहुत ही सॉलिड यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि मेटा वाले तो अलग अलग जो ग्लास मेकर्स है उनके साथ काम कर रहे, चाहे ओकली हो गया, Ray-Ban हो गया वहाँ पे, लेकिन बाकी कंपनीज भी हैं इस डायरेक्शन में जो धीरे धीरे काम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और निकाल सकती है। देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम रहता है। गूगल का एंड्रॉयड XR और भी सारी चीज़ें आती है, लेकिन 5 साल में ऐसी कैटेगरी रहेगी जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी। लेकिन अगर मैं अपने सवाल पर आऊँ, क्या जो ग्लासेस रहते हैं क्या आपके स्मार्टफोन को कभी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, वेल ऐसा नहीं होने वाला। मेटक वाले जो ग्लासेस वो कभी रिप्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि स्मार्टफोन के लिए एक्सेसरी बन के आ रहे हैं, और बार बार मोबाइल फ़ोन निकालने की ज़रूरत ना पड़े, उस डायरेक्शन में यहाँ पे काफ़ी काम है। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मेरे को ये लगी कि मेटा जैसी कंपनी ने बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी और रिफाइंड प्रोडक्ट यहाँ पे बना दिया। ये वो कंपनी जो कभी भी हार्डवेयर वाले गेम में नहीं थी, ये लोग सोशल मीडिया वाले गेम में थे, सोशल मीडिया से AI में आए, इन्होंने अपना ऑक्यूलस वगैरह भी निकाला, वो भी नीश ऑडियंस के लिए, लेकिन जब ग्लासेस लेकर आया तो बिल्कुल ही मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए। और मेरे को लगता है कि 4-5 साल में जो ग्लासेस वाला जो कंसेप्ट है ना, काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा और काफ़ी सारे लोग उसे यूज़ करना भी पसंद करेंगे। बाय द वे सच बात यह कि जब तक आप इसे यूज़ नहीं करते हो ना ग्लासेस को, तब तक आप इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे पता नहीं चलती है, लेकिन जब एक बार आपने यूज़ करना शुरू कर दिया तो शायद दोबारा से रेगुलर ग्लासेस पे जा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बाय द वे आप लोगों ने कभी भी Ray-Ban के ग्लासेस को यूज़ किया कि नहीं किया, नीचे कमेंट बताओ। और ये भी बताओ, क्या आप इनके डिस्प्ले वाले ग्लासेस का वेट कर रहे हो, जिनके अंदर डिस्प्ले लगते ही चीज़ें और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी और प्रोडक्ट भी अभी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। बाय द वे आप लोगों ने इस वीडियो में कुछ भी नई चीज सीखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं हम सुनता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।